वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का गेम बहुत ही यूनिक और अलग हटके, जिसका नाम है गेम का इंडस। गाइस ये एक पिक एंड राइट टाइप का गेम है जिसमें आपको कुछ चीजें ड्रॉ भी करनी होती है। गेम काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक है। इस गेम को डिजाइन किए अमित गाडगे ने, और जो ये पब्लिश है ये है डाइस्ट्रो लैब की तरफ से गेम आता है, जिसमें प्लेयर होंगे 1 to 5 और एज है 14+, और जिसमें टाइम आपका 30 to 40 मिनट्स में आपका गेम फिनिश हो जाता है। इसका जो बेस है, जिसके इस गेम को डिजाइन किया गया है और बनाया गया है, वो है इंडस सिविलाइजेशन। 2000 BCE में एक उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अपने जो पूरे जो सिटीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सिविलाइज किया था। तो गाइज उसी को ध्यान में रखते हुए डाइस्ट्रो लैब ने डिजाइन किए, जिसमें आपको अपनी खुद की सिटी बनानी होती है, और जिसकी सिटी सबसे बेहतरीन होगी उसको सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा और वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है इंडस। गाइज अगर आप ये गेम परचेज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, वहां पे जाके इस गेम को परचेज कर सकते हो, और अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स है डाइस्ट्रो लैब के, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस इंडस के हम लोग कंपोनेंट्स और उसके साथ ही में हम लोग देखेंगे कि इसका सेटअप किस तरह से करना है। पहले रूल बुक है, उसको हम रख देंगे फिलहाल साइड में। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उसके हिसाब से हर एक को उनका इंडिविजुअली मैप हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रहेगा एक प्लेयर के लिए, एक मेरे लिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा शीट में, एक अपर लेवल है एक लोअर लेवल है। जो डार्क पोर्शन यहाँ पर है ये लोअर है। गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूबल यहाँ पे नॉलेज जो आपको दी हुई है, आप उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले आपका खुद का जो मैप है, मैप शीट है, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप ए साइड से खेलोगे या बी साइड से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तो आप ए साइड से खेलिए। उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका सेम मैप के जैसा यहाँ पे आपको इंडस का आपका इंडिविजुअली मैप कार्ड मिलेगा, इनिशियल कार्ड आप इसको बोल सकते हो। तो उसको अच्छी तरह से शफल करने के बाद में हर एक प्लेयर को एक एक दे देना है। तो ए साइड से वो रखेगा यहाँ पे, और ये रखूंगी मैं ए साइड से, बाकी का भी इसका यूज नहीं है, ये जाएगा बॉक्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़े कार्ड आते हैं ये होते हैं स्कोर कार्ड, को आपने अच्छी तरह से शफल करना है। गेम के दौरान इसका डिटेल बताऊंगी कि स्कोर कार्ड क्या आता है, किस तरह से आपको स्कोर करना है, और सिर्फ आपको स्कोर कार्ड में से सिर्फ दो ही स्कोर कार्ड यहाँ पे फेस अप करके रखना है हर एक प्लेयर के सामने, और बाकी का ये जाएगा बॉक्स में। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरे टोटल 100 कार्ड है, जिसमें रिसोर्स एंड टेरेन कार्ड इंक्लूड है। गाइज अगर यहाँ पे इंडस आप सिर्फ 2 या 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको वो निकालना है, वो रिमूव कर देना है। ऐसे ना टोटल 20 कार्ड से रहेंगे तो आपको 100 में से 20 निकाल देना, सिर्फ 80 कार्ड से खेलेंगे। लेकिन अगर आप 4 से 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो आपको पूरे कार्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20 कार्ड्स है उसको ये हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं आपको 2 प्लेयर का बताने वाली हूँ। ऑलराइट अभी ये कार्ड्स को आप डाल देंगे बॉक्स में, इसका जरूरत नहीं है अभी। बाकी के जो कार्ड्स है उसको आपको अच्छी तरह से शफल करना है गाइस, ठीक है। शफल करने के बाद आपको क्या करना है, ये कार्ड के आपको 4 डेक बनानी है गाइस। जैसे आपको 4 यहाँ पे डेक बनाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये है, इसे कहते हैं कलामिटी कार्ड, जिसमें अलग अलग आपको डिफिकल्टीज दी हुई है। लाइक इसमें फ्लड है, अर्थक्वेक है यहाँ पे, और ड्रॉट है, प्लेग है, लैंडस्लाइड है। तो आपको ये सब जो डिफिकल्टी कार्ड है जिसको कहते हैं कलामिटी कार्ड, उसको आपको अच्छी तरह से शफल करना है। शफल करने के बाद में आपको कोई भी 2 कार्ड आपको बिना देखे, आपको देखना नहीं है, आपको 2nd और 4th वाले पाइल में डाल देना है, और बाकी के सभी कार्ड उसको भी नहीं देखना है, आपको इसी तरह से आपको डाल देना है बॉक्स के अंदर। अभी जिसमें हम लोग 2nd पाइल में जो हम लोग ने यहाँ पे कलामिटी कार्ड डाला है उसको उठाना है वो डेक को, और उसको अच्छी तरह से शफल कर देना है, या आप मिडल में भी डाल सकते हो अगर आपको शफल नहीं करना है। तो फिर से ये हमने कर दिया शफल, और ये जो 4th वाली डेक है जिसमें कलामिटी है उसको भी अच्छी तरह से शफल करना है। शफल करने के बाद आपको क्या करना है, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से आपको सभी को एक डेक कर देना है, और उसके बाद में आपको इसको शफल नहीं करना है, उसको ये ऐसे ही रखना है। ये हमारा हो गया ड्रॉ पाइल, आप बोल सकते हो रिसोर्स पाइल या टेरेन पाइल, आप जो भी है।
आप उसको इस तरह से आपको पूरे कार्ड को एक साथ करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गाइज, ये है फर्स्ट प्लेयर मार्कर, कि ये प्लेयर मार्कर जिस भी प्लेयर के पास में रहेगा उसका टर्न फर्स्ट आएगा, उसको फर्स्ट चॉइस हमेशा मिलेगी चूज करने के लिए। तो फिलहाल सपोज ये मैं ले लेती हूँ फर्स्ट प्लेयर मार्कर। तो गाइज उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम आपको, आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको इंडिविजुअल आपको मैप कार्ड दिया गया था उसमें जो अलग अलग यहाँ पे आपको सिंबल नजर आ रहे होंगे उसको अपना आपका जो मैप शीट है उसमें आपको ड्रॉ करना है। जो भी पोजीशन यहाँ पे दी हुई है ना गाइज, वही सेम पोजीशन इस मैप पे आपको ड्रॉ करनी है। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पोजीशन का यहाँ पे प्लेस भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे शीट में देखोगे तो यहाँ पे नंबर से 1, 2, 3 और यहाँ पे ना अल्फाबेट्स है, तो उसकी हेल्प से आप इसको ड्रॉ करने में आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको गेम कैसे स्टार्ट होगा। गाइज यहाँ पे जो हमें मैप का जो यहाँ पे कार्ड मिला था वही एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे हम लोगों ने ये ड्रॉ कर चुके, तो फिलहाल अभी ये कार्ड की जरूरत नहीं है, दोनों कार्ड जाएंगे डेक में, इसका कोई गेम में अभी यूज नहीं है, उसी इनिशियल रेट के लिए है। उसके बाद में क्या करना है, जो रिसोर्स डेक है उसमें से जितने भी प्लेयर खेल रहे हो उसके हिसाब से यहाँ उसको मार्केट बनाना है। मार्केट बनाना है मीन्स सिर्फ दो ही कार्ड यहाँ पे आपको फेसअप करके रखने हैं, 1 एंड 2। तो ये दो कार्ड हम लोग फेसअप करके रखेंगे और यहाँ पे रहेंगे दो यहाँ पे स्कोर कार्ड, दो आपका पर्सनली मैप शीट और फर्स्ट प्लेयर मार्कर और ये हमारा डेक। तो ये है गेम का सेटअप। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आप गेम को स्टार्ट कैसे करते हैं, खेलेंगे कैसे। गाइस प्लेयर अपने टर्न पे यहाँ पे पूरे टर्न में उसके चार फेसेस रहेंगे, मतलब चार चीजें उसे करनी है। सबसे पहला जो काम होगा उसको करना है पिक। पिक करना है मतलब उसको यहाँ पे ये दो हो गए यहाँ पे टेरेन कार्ड और ये हो गए रिसोर्स कार्ड, या तो उसको टैलेंट कार्ड में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है या फिर उसको रिसोर्स कार्ड उठाना है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये जो टैलेंट कार्ड है वो उठाती हूँ, गाइज ये टैलेंट कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना दो ऑप्शन दिए हुए, या तो आपको हाउस ड्रॉ करना है या फिर यहाँ पे आपको फॉरेस्ट ड्रॉ करना है, और ये जो शेप दिया हुआ है वही शेप में आपको ड्रॉ करना है। शेप को आप चेंज कर सकते हो, या तो उसको आप वर्टिकल इस तरह से, या फिर उसको हॉरिजॉन्टली, या तो उसको रिवर्स, या तो उसको मिरर इमेज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और सेकेंडली आपको और एक कार्ड का डिफरेंस बताना चाहूंगी, ये किसी किसी कार्ड में यहाँ पे सिंगल ही आपको खाली फॉरेस्ट दिया हुआ है, स्पेशल यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो छोटा सा पे वर्टिकल यहाँ पे लाइन दी हुई, वो है वॉल, ये स्पेशल वॉल है और ये वॉल का बहुत आगे जाके यूज होता है कलामिटी से बचने के लिए, काफी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज होती है। तो गाइज रिसोर्स कार्ड उठाना की, वो रिसोर्स कार्ड उठा के हमें करना क्या है, बिकॉज यहाँ पे आप मैप में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ इमेजेस बने हुए जिसमें आपको दो रिसोर्स कार्ड देखकर आप यहाँ पे रिजर्वायर, ग्रेनरी एंड बाथ हाउस, ये जो आपको स्पेशल यहाँ पे जो इमेज दिख रहे वो आप ड्रॉ कर सकते हो इस आपकी पर्सनल मैप शीट में। तो उसके लिए आपको लगेंगे रिसोर्स कार्ड, तो अगर आप टैलेंट कार्ड नहीं उठाते हो तो आपको यहाँ पे रिसोर्स कार्ड उठा सकते हो। गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पूरे अगर शीट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो पोर्शन है, यहाँ पे अपर और लोअर लेवल। तो अगर आप ग्रेनरी या बाथ हाउस ड्रॉ करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपर लेवल में ड्रॉ करना होगा। गाइज अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रेनरी और जो बाथ हाउस है उसको लगेंगे 4 स्पेस, यानी कि 4 स्क्वायर्स लगेंगे यहाँ पे। बाकी के जो अदर यहाँ पे जो टेरेन है लाइक हाउस है, फॉरेस्ट है, किनारे या फार्म है, उसको सिर्फ एक ही बॉक्स में, सिंगल एक ही बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हो। गाइज डेक में आपको देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में आपको पर्पल वाले कार्ड मिलते हैं, ये होते हैं आर्टिफैक्ट कार्ड। अगर आप पूरे गेम में इस तरह से चार अलग अलग पैटर्न के आर्टिफैक्ट कार्ड कलेक्ट करते हो तो आपको उसके मिलते हैं 7 पॉइंट्स, अगर 3 कलेक्ट करते हो अलग अलग पैटर्न के तो आपको मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और 2 का रहेंगे 2 पॉइंट्स और 1 के रहेंगे 1 पॉइंट। तो उससे भी आप इसमें कलेक्ट करके अपने पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, आपके स्कोर बढ़ा सकते हो। तो गाइज आपके टर्न का जो सेकेंड फेज होता है वो प्लान होता है। प्लान में आपको सिर्फ सोचना होता है कि आप वो जो आपने जो टेरेन कार्ड उठाया है या जो रिसोर्स कार्ड देकर आप जो यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, यहाँ पे स्कोर के कार्ड्स को ध्यान देना होता है, उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। कैसा प्लान कीजिए, आपका प्लानिंग सेक्शन क्या होना चाहिए, सपोज यहाँ पे ये मिडल में ये है रिवर है, रिवर के अगर आस पास अगर आप फार्म यहाँ पे बनाते हो तो आपको हर एक का यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलता है, तो आपको वो माइंड में आपको प्लान बनाना होगा कि आपको करना क्या है। और अगर आप किधर वॉल है, वॉल के बाजू में अगर आप यहाँ पे आप
फॉरेस्ट ड्रॉ करते हो, ये जो पैटर्न है फॉरेस्ट है, अगर आप फॉरेस्ट ड्रॉ करते हो तो हर एक फॉरेस्ट का वॉल के बाजू में जो है उसको मिलेगा आपको 2 पॉइंट। तो ये आपको प्लानिंग करना है कि कौन सा जो ड्रॉ इमेज है, कौन सा जो टेरेन है वो कहाँ पे आएगा, तो उसके हिसाब से आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको प्लानिंग करना है गाइज। यहाँ पे थर्ड जो फेस है आपका टर्न में वो है बिल्ड। बिल्ड मतलब जो भी कार्ड आपने पिक किया, सपोज ये कार्ड मैंने पिक करी तो इसको मुझे अभी ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको ड्रॉ करने के भी कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा रूल है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा शीट में एक अपर लेवल है एक लोअर लेवल है, जो डार्क पोर्शन यहाँ पर है ये लोअर है। तो अगर सपोज आपको कोई पैटर्न आता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पैटर्न ड्रॉ करना है और इसमें मैंने ये कैनाल चूज कर रही हूँ, ये मुझे ड्रॉ करना है, तो गाइस मुझे ये जो पैटर्न है ये ड्रॉ करना था, तो या तो मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे जो अपर लेवल है वहां ड्रॉ करूंगी या फिर जो लोअर लेवल है वहां ड्रॉ करूंगी। आप इस पैटर्न को आधा इसमें और आधा इसमें दोनों जगह पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये हो गया राइट, ये भी राइट है, और ये जो पैटर्न है जो आधा इधर है ये रॉन्ग हो चुका है, तो इस तरह से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है सिर्फ आपको कुछ ड्रॉ के रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं गाइस। और एक चीज है यहाँ पे, ये है ग्रेनरी और ये है यहाँ पे बाथ हाउस। जिस तरह से मैंने बताया था कि ग्रेनरी में बाथ हाउस 4 स्पेस लेता है, तो उसको पूरा बॉक्स आपको ड्रॉ करना होता है, आप उसको आधा बॉक्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो वो दोनों का भी आपको यहाँ पे जो अपर लेवल है वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ग्रेनरी और बाथ हाउस को आप यहाँ पे जो लोअर लेवल है जो लाइट एरिया है वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, विच इज रॉन्ग। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपको कहाँ ड्रॉ करनी, बस ये सिंपल से 2 रूल है कि कौन सी चीज किस तरह से ड्रॉ होंगी और कहाँ पे नहीं होंगी, तो वो आपको ध्यान में रख। तो बाथ हाउस को और ग्रेनरी को भी आप दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है, अभी मुझे यहाँ पे फॉरेस्ट मिला है और फॉरेस्ट में अभी मुझे वॉल तो नहीं मिला है, तो अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो फिलहाल ट्राई करूंगी कि यहाँ पे। तो गाइस अगर यहाँ पे आप स्कोर कार्ड भी देखोगे तो यहाँ पे है मेंशन है कि अगर आप हाउस बनाते हो और अगर हाउस आपका अपर लेवल की वॉल को टच करते तो सभी का आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना, ये हाउस सिलेक्ट करती हूँ और इसको ये जो यहाँ पे अपर लेवल है वहां पे ड्रॉ करती हूँ। मैंने ये जो यहाँ पे जो शेप था उसको मैंने उल्टा करके बना दिया, आप कैसे भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया था। और मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे जो अपर लेवल है ना उसकी वॉल से टच करके बनाया है ताकि मुझे ना पॉइंट ज्यादा मिले। तो अभी मुझे इतना पता चल चुका है कि ये वॉल से टच हो रहा है ये और ये भी, तो मुझे 3 पॉइंट मिलने वाले हैं इसके। तो उस तरह से आपको प्लान करना है, उस तरह से आपको बिल्ड करना है। तो ये हो गया मेरा बिल्ड वाला पोर्शन कम्प्लीट, अब ये जाएगा डिस्कार्ड में। तो देखते हैं वो प्लेयर क्या चूज करेगा, यहाँ से टेरेन उठाएगा या रिसोर्स उठाएगा। तो गाइज यहाँ पे वो प्लेयर नहीं, यहाँ पे रिसोर्स कार्ड उठाया, तो उसको तो कुछ ड्रॉ करना नहीं है, वो शायद फ्यूचर के लिए बाथ हाउस बनाने के लिए शायद उसने उठा लिया है, तो आई डोंट नो वो क्या बनाने वाला है। तो यहाँ पे अभी मार्केट में ना सिर्फ एक ही टेरेन कार्ड है, तो अगर सिर्फ 2 या 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो जो टेरेन कार्ड है वो चला जाएगा डिस्कार्ड में और मार्केट में 2 न्यू फ्रेश कार्ड आएंगे। अभी मेरा फर्स्ट प्लेयर जो मार्कर है वो मुझे देना पड़ेगा ये प्लेयर को। तो गाइस अभी फर्स्ट प्लेयर मार्कर ये प्लेयर के पास में है, तो अभी उसको चॉइस है फर्स्ट के वो रिसोर्स उठाएगा या फिर टेरेन कार्ड उठाएगा। तो क्या ये प्लेयर ने ये टेरेन कार्ड उठाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको जो पैटर्न ड्रॉ करना है उसमें भी उसको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पे एक ही ड्रॉ करना है, वो है कैनाल। तो अभी मेरा टर्न है, मैं ये चूज कर रही हूँ, मुझे चाहिए ये स्कोर कार्ड में कि रिवर के बाजू में अगर फार्म होगा तो मुझे 2 पॉइंट मिलेगा। तो मैं ट्राई करती हूँ, मेरे मैप में यहाँ और यहाँ 2 जगह रिवर है, तो मैं वहाँ पे फार्म आसपास ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। अभी दोनों जाएगा डिस्कार्ड में, फिर से यहाँ पे 2 न्यू कार्ड आएंगे। तो अभी यहाँ पे दोनों वॉल कार्ड है, तो मैं आपको वॉल का बता देती हूँ। और यहाँ पे अभी फर्स्ट प्लेयर मेरा है, तो फर्स्ट प्लेयर मार्कर मुझे मिलेगा। तो चॉइस पहले मुझे मिलेगा कि मुझे कौन सा यहाँ पे टेरेन कार्ड उठाना है या फिर रिसोर्स उठाना है। तो मैं यहाँ से ना सिलेक्ट करती हूँ ये हाउस, बिकॉज ये हाउस के साथ में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपर लेवल में बनाऊंगी यहाँ पे, और मुझे उसका जो वॉल है एक वॉल भी मिल रही है। तो अभी मैं ड्रॉ करती हूँ, अभी वो प्लेयर का चॉइस है वो कौन सा कार्ड उठाना चाहता है। तो उसने यहाँ से रिसोर्स कार्ड उठा लिया है, अभी मेरा ड्रॉ कर रहे था, वो प्लेयर को रुकना पड़ेगा। तो गाइस
मैंने यहाँ पे ये पैटर्न तो ड्रॉ कर लिया, अभी मुझे एक वॉल ड्रॉ करनी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पैटर्न आपने ड्रॉ किया उसी के आसपास, उसी के बाजू में, कोई भी ब्लॉक में, कोई भी स्क्वायर में, उसके बाजू में आपको ये वॉल ड्रॉ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वॉल, तो दोनों बॉक्स के बीच में इस तरह से आपको ये वॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये वॉल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये कार्ड जाएगा डिस्कार्ड में, और ये प्लेयर ने यहाँ से नहीं उठाया था, लेकिन ये भी जाएगा डिस्कार्ड में बिकॉज दो प्लेयर है, और फिर से न्यू टू रिसोर्स कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस गेम ना इसी तरह से चलता जाएगा, जिसे प्लेयर को टैलेंट चाहिए वो टैलेंट उठाएगा, जिसे रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स उठाएगा, या जिसे आर्टिफैक्ट कार्ड चाहिए वो कलेक्ट कर सकता है। जब तक ये जो फर्स्ट यहाँ पे कलामिटी कार्ड नहीं आते, तो उसके बाद देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद आपको करना क्या है, इस डेक में जो कलामिटी कार्ड है उसके आने के बाद में क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी हमारे मैप की, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उस तरह से गेम चलते रहेंगे फिलहाल। अभी मेरा टर्न है, तो मैं उठा रही हूँ यहाँ से रिसोर्स कार्ड, यहाँ पे आ गया कलामेटिव कार्ड। तो लेकिन अभी वो प्लेयर का टर्न है, तो पहले अगर वो यहाँ से उसको एक रिसोर्स उठाता है वो, तो पहले हम लोगों को रिसोर्स को पूरा करना है, उसके बाद में कलामेटिव ओपन करेंगे। कौन सा लेना है, ठीक है, उसको ड्रॉ करने तक वेट करेंगे और देखते फिर इसके बाद में क्या है, इसमें कौन से वाली हमारे डिफिकल्टी लेवल आने वाला है। तो अभी वो प्लेयर का फर्स्ट टर्न है, वो डिस्कार्ड हो जाएगा और ये जाएगा डिस्कार्ड में, और यहाँ पे दो न्यू कार्ड आएंगे, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहला कलामेटिव कार्ड है, उसको उठाना पड़ेगा। उठाओ, और क्या है देखेंगे अब इसमें क्या है। ओ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्रॉस आउट वन माउंटेन एंड ऑल एज एग्जिस्टेंट स्पेस इन एनी टू डायरेक्शंस अप टू थ्री स्पेसेस डिस्टेंस। ओ मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे, ओहो टू डायरेक्शन में खाली लेना है, लेकिन तीन तीन। तो गाइज यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो माउंटेन है उसके आसपास में जितना भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जितने भी टेरेन आपने बनाए होंगे उसके आसपास सिर्फ दो डायरेक्शन में आपको तीन तीन उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये प्लेयर का है कहाँ पे, ये माउंटेन, तो दो डायरेक्शन, ओहो शिट। तो गाइज अगर ये माउंटेन के आजू बाजू में किधर भी उसके एडजेसेंट में अगर ये प्लेयर ने वॉल बनाया होता था तो वो बच जाता था, उसके आगे के जो टेरेन है वो बच जाते थे, लेकिन उसने यहाँ पे वॉल कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, तो अभी प्लेयर को अप टू थ्री स्पेसेस उसको क्रॉस करना पड़ेगा। शिट, और ये स्कोर में अभी काउंट नहीं होगा ऊपर भी। ओ एक रिजॉल्वर भी चला गया है, उसके बाद यहाँ पे वॉल है तीन क्रॉस करने के बाद। तो ये हो गया वन डायरेक्शन, और ये हो गया टू डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन में आपको तीन तक आपको कैंसिल करना था माउंटेन, क्या माउंटेन भी क्रॉस होएगा। तो अभी एक कलामिटी कार्ड आ चुका है, ये जाएगा अभी डिस्कार्ड में, और गेम फिर से वैसे ही चलता जाएगा जब तक ये दूसरा कलामिटी कार्ड नहीं आता है। तो गाइज यहाँ पे सेकंड कलामिटी कार्ड आ चुका है, तो इसको फौरन सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मार्केट में एक ही टैलेंट कार्ड है। तो फिलहाल अभी इसको उठा लेते हैं, और इसके उठाते ही इसमें जो भी लिखा होगा वो हम लोगों को फॉलो करना है, और गेम वहीं फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में स्कोरिंग स्टार्ट होगा। तो देखते हैं क्या है, प्लेइंग में क्या करना है। क्रॉस आउट वन फॉरेस्ट एंड ऑल द एडजेसेंट फॉरेस्ट कैनाल हाउस एंड द फार्म्स अप टू वन स्पेस डिस्टेंस। तो आपको कोई भी एक फॉरेस्ट को सिलेक्ट करना है आपके मैप में से। तो गाइज मैं ये वाला फॉरेस्ट सिलेक्ट करती हूँ, तो इसको मैं करती हूँ कैंसल, और उसके जो बाजू का जो यहाँ पे जो फार्म है वो एक कैंसल होगा, लेकिन उसके ऊपर का जो ये है ये कैंसल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल है, तो ये वॉल की वजह से ये बच चुका है, ये नहीं होगा। और इसके ये साइड में खाली है, और उसके नीचे साइड में वो भी बॉक्स खाली है, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, तो सिर्फ मेरा दो ही बॉक्स कैंसिल होगा। अभी वो प्लेयर का टर्न है, वो क्या कैंसिल कर रहा है, सबसे पहले फॉरेस्ट को कैंसिल करना है। ओके उसके बाजू में ऑलरेडी क्रॉस है ये, तो सिर्फ नीचे वाला सिर्फ एक ही क्रॉस होगा क्योंकि उसका ऊपर का बॉक्स है ये भी वो एम्प्टी है, वो खाली है। तो गाइस ये कलामिटी कार्ड अभी हम लोग डाल देंगे डिस्कार्ड में, अभी गेम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं स्कोरिंग की ओर और देखते हैं कौन ये गेम जीतेगा। अभी मेरे पास जो दो रिसोर्स कार्ड था वो जाएगा डिस्कार्ड में, इसका भी जरूरत नहीं है। बाकी के जो सभी कार्ड है टेरेन का रिसोर्स का वो जाएंगे अभी बॉक्स में, उसका काम अभी नहीं है। ये भी फिनिश, सिर्फ आपको यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है वो और आपका शेड और यहाँ पे जो आपने आर्टिफैक्ट कार्ड कलेक्ट किए होंगे पर्पल वाले वो आपको रखना है, वो स्कोरिंग में अभी काउंट होंगे। तो हम लोग देखेंगे उसको किस तरह से स्कोर करना है।
तो गाइज अभी यहाँ पे हमारा मैप रेडी है, अभी स्कोर करेंगे। स्कोर करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो मेरी सिटी का नाम है वो मुझे डालना है सोनी लैंड। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉक्स दिए हुए, वहां पे आपको यहाँ पे स्कोर लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट है हाउस, कैनाल, फार्म, फॉरेस्ट एंड वॉल। तो सबसे पहले हाउस को काउंट करेंगे, पूरे आपके मैप में काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे जो मेरा हाउस है वो है 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20। सेम ऐसे वो प्लेयर भी लिखेगा। तो सभी को मैं फिलहाल यहाँ पे काउंट कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्कोर फिर आगे किस तरह से करना है। गैस मैं आपको बता दूं, जो कलामिटी कार्ड आया था जिसके बाद में उसके जो हम लोगों को कैंसिल किए थे बॉक्स, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो काउंट नहीं करना है। तो गैस मेरा हाउस यहाँ पे 20 है। अब वो प्लेयर का हाउस कितना है, वो प्लेयर का हाउस यहाँ पे 8 है। तो डेट मीन मेरा हाउस ज्यादा है। तो यहाँ पे जो छोटा सा और एक यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा था, उस पर मुझे बोनस 5 मिलेगा और ये प्लेयर को मिलेगा 0। रिजर्वर मतलब ये वाला जो है वो वाला है, वो हम लोगों को काउंट करना है। तो मेरे पूरे मैप में 1, 2, 3 और एक का पॉइंट है 3, तो डेट मीन मुझे मिलेगा यहाँ पे 9। ग्रीनरी यहाँ पे मैंने 2 बनाया है अपर लेवल में, तो उसका मुझे मिलेगा 6, बिकॉज एक का 3 है। और बात और सिर्फ मैंने एक ही बनाया तो मुझे मिलेगा एक का सिर्फ 3। और आर्टिफैक्ट में यहाँ पे मैंने अलग अलग जो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग पैटर्न के यहाँ पे आर्टिफैक्ट कलेक्ट किए, तो उसका मुझे मिलेगा 7 और एक इंडिविजुअल उसका मिलेगा मुझे 1। तो डेट मीन टोटल मेरा हो गया 8। अभी आ जाते हैं यहाँ पे स्कोरिंग कार्ड। फर्स्ट वाला स्कोरिंग कार्ड में यहाँ पे आपको देखना है कि आपका रिवर के बाजू में जितने भी कैनाल होंगे उसको आपको मिलेगा 2-2 पॉइंट, तो आपको वो काउंट करना है 1, 2, तो 4। और यहाँ पे हर एक का यहाँ पे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे रिवर के बाजू में जितने भी फार्म थे उसका मिलेगा मुझे 2-2 पॉइंट, और यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट के बाजू में वॉल है उसका सभी का आपको 2 पॉइंट मिलेगा। तो गाइस ये मैंने अभी स्कोर लिख चुकी है, अभी सभी को मुझे ऐड करना है, टोटल करना है और यहाँ पे फाइनल स्कोर लिखना है। तो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो टोटल स्कोर है वो है 140 और ये प्लेयर का यहाँ पे स्कोर आता है 91। ओहो, डेट मीन मैं ये जो इंडस है वो जीत चुकी हूँ और जो सोनी लैंड है वो कामयाब हो चुका है। तो मेरा सोनी लैंड यहाँ पे जो मेरा सिटी वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये गेम मैं जीत चुकी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको गेम बहुत अच्छा लगा हो। गेम के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हो। ये मेरा इंस्टा का आईडी है, वहाँ पे भी जो हमारे गेम के जो अपडेट्स वहाँ पे होते रहते, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ ये गेम को लेकर। मैंने भी फर्स्ट टाइम इस टाइप का गेम खेला जिसमें खुद से हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है, तो कुछ जो पुरानी यादें थी वो हमारी ताजा हो गई स्कूल की। तो थैंक्स फॉर डाइस रॉयल ऐप, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा गेम प्रोवाइड किया ताकि मैं इसका वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं कि गेम कितना अच्छा है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे गेम्स अपकमिंग है, जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।